नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुन्नी इंसा। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? हमें 20-25 साल हो गए। मैम 25 साल हो गए, कैसा माहौल है डेरे का? अच्छा है माहौल डेरे का। आप कह रहे हो अच्छा माहौल है, मगर मीडिया चैनलों पर इतना गंद दिखाया गया है। मीडिया से तो कुछ भी करवा सकती है मीडिया, ऐसे ऐसे कंप्यूटर चल रहे हैं, कुछ भी बनवा सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पिताजी तो बहुत बढ़िया है और बढ़िया है और बढ़िया ही सच्चा दई परमार्थ सबन को इतनों इतनों करो, गरीबन की सहायता करी, बहुत मकान बना के दे, चाबी सौंपते हुए पिताजी के। इस वक्त गए उसी वक्त हम सिरसा में थे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पिताजी के ऊपर आरोप लगाया गया है। मैम आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपका विश्वास, आप यहाँ पर आते हो, आप लोग सुरक्षित हो, लड़कियाँ सुरक्षित हैं? हाँ सब सुरक्षित हैं, लड़कियाँ सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, बड़े बूढ़े की बच्चन की खूब सेवा लग रही है, मायके लग रहे हैं, कोई खोए जाए, खाने पीने की, चाय पानी की, हर चीज की व्यवस्था है, ओढ़ने की पहनने की, सर्दी को माहौल है फिर भी रजाई गद्दा भी है, सब कुछ, सबकी सेवा खूब अच्छी लग रही है। मैम कितना विश्वास करते हो अपने गुरु पे? पूरा पूरा विश्वास करते हैं अपने पिताजी पे। मैम इतने विश्वास का क्या कारण है, क्या दिया है आखिर संत जी ने? बहुत कुछ दिया है, बीमारी रोग सब दूर रह गए संत के यहाँ आने से। संत जी ने मानवता भलाई के कुछ कार्य करवाए हैं क्या? बहुत बहुत कार्य करे हैं मानवता भलाई के, मकान बना के दिए, विधवन को कपड़ा मकान बना के दे, रहने खाने की सुविधा, बच्चन की पढ़ाई लिखाई की सुविधा, बहुत बहुत काम किए हैं पिताजी ने। मैम संत जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? अच्छे धर्म की देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के ही जाप करवाते हैं कि उसका सुमरण करो। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील करेंगे हमारे पिताजी आ जाएं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि संत जी की आज समाज को जरूरत है, संत जी ने इतने सारे कार्य करवाए हैं मानवता भलाई के कि शायद ही लोग करवाएं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।